बिहार में एक बार फिर से राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है और अब नई उम्मीद, बिहार की नई उम्मीद, राजनीति की नई उम्मीद बनकर प्रशांत किशोर अपनी पार्टी लेकर आने वाले हैं। जनसुराज लगातार जो है राजद को घेरने का काम कर रही है। प्रशांत किशोर ने पिछले दिनों ये खुले मन से कहा कि 10वीं फेल के नेतृत्व में बिहार नहीं चलेगा। साथ ही साथ युवाओं को उन्होंने कहा कि युवा चुनाव लड़ने के लिए पैसे की चिंता ना करें, उनके लिए प्रशांत किशोर खड़ा है। ऐसे में क्या राजद को घेरने के लिए जनसुराज जो है चुनावी मैदान में उतर रही है, क्या वजह रहेगी चुनावी मैदान में उतरने की, साथ ही साथ राजद को कितना खतरा लग रहा है, प्रशांत किशोर से यह जानने के लिए आज हमारे साथ राजद के कार्यकर्ता हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। जिलाध्यक्ष हमारे साथ राजद के भागलपुर के चंद्रशेखर जी, महिला जिलाध्यक्ष है सीमा जायसवाल, साथ ही साथ हमारे साथ शहाबुद्दीन जी हैं नगर अध्यक्ष हैं राजद के, एक एक करके बातचीत करेंगे। पहले जिलाध्यक्ष जी से बात करते हैं। प्रशांत किशोर को किस तरह से आप लोग देख रहे हैं, और वो तो लगातार तेजस्वी यादव और राजद परिवार पर हमला कर रहे हैं। सबसे पहले तो आप सभी मीडिया के साथियों को बहुत धन्यवाद राष्ट्रीय जनता दल परिवार की ओर से। और जहाँ तक प्रशांत किशोर जी की बात है, प्रशांत किशोर जी की अपनी कोई पार्टी नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहा है और भाजपा का ही बी टीम है। भाजपा सजाना चाह रहा है कि हमको इस बार बिहार में अपना मुख्यमंत्री देना है, इसलिए उनके लिए वो काम कर रहे हैं। ऐसे पहले से भी वो प्रशांत किशोर जी जो है वो कभी समाज सेवी नहीं रहे हैं, सिर्फ चुनाव को मैनेज करने का ही काम, राजनीतिक सलाहकार, हाँ राजनीतिक सलाहकार के रूप में ही काम किए हैं। उनको बिहार की मिट्टी से का पता नहीं है, बिहार के लोगों की मानसिकता पता नहीं है, वो बिहार को अच्छे तरह से जानते नहीं हैं। वो अपने खुद दिल्ली में रहे हैं, सब दिन बिहार के हैं, लेकिन वो बिहार की मिट्टी को नहीं जानते हैं। जिस तरह से वो चुनावी सभा कर रहे हैं जगह जगह और जिस तरह से वार्तालाप करते हैं लोगों से, लगता है कि वो एकदम असली बिहारी हैं और वही आगे ले जा सकते हैं। कल जो भाषण दिए प्रशांत किशोर जी ने, उनको ये पता है कि शिक्षा में मूलभूत सुधार चाहे लालू प्रसाद ने ही किया था, कंपटीशन करवा के शिक्षकों के, उन्हीं शिक्षकों से आज बिहार के स्कूल चल रहे हैं। या फिर तेजस्वी यादव जी का जो 17 महीना का कार्यकाल हुआ, वो 17 महीना के कार्यकाल में जो उन्होंने एक ही दिन में लाखों नियुक्तियां बिहार में किया शिक्षकों की, और वो एक इतिहास हुआ विश्व स्तर पर। आज तक कोई देश, कोई राज्य एक समय में उतनी नियुक्ति पत्र बांटने का काम नहीं किया है। तो जब तेजस्वी प्रसाद यादव जी को शिक्षा के प्रति प्रेम नहीं है, तो तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने कैसे, मतलब इतना इतना शिक्षकों की बहाली यहाँ किया, कैसे अपने राजनीतिक यात्रा को, प्रशांत किशोर की राजनीतिक यात्रा को किस तरह देख रहे हैं आप? प्रशांत किशोर जी आए हैं, ओवैसी जी भी आए हैं, ये सब बीजेपी के लिए काम करते हैं। हर माँ को ये लग गया मन में, आज तेजस्वी बेटा आ गया है इसलिए मेरा बेटा अब बेरोजगार नहीं रहेगा बीए पास होके। हर बहन को लगने लगा अब मेरा भाई भी नौकरी में जाएगा, रोजगार में जाएगा और दो पैसा कमा कर मेरा शादी विवाह कराएगा। ये तेजस्वी जी ने करने का काम किया। मतलब खतरा आप लोगों को प्रशांत किशोर से नहीं बुझाया? अरे क्या प्रशांत किशोर जी, कुछ पार्टी के लोग को, अभी तो मेरे ही दल के कुछ लोग को, यहाँ से भी कई लोगों ने ज्वाइन आपको किया। बता रहे हैं वही बात, मेरे ही दल के कुछ लोग को अनावश्यक रूप से बरगला करके अपने मीटिंग में बुला लिया। सब लोग अभी शपथ पत्र दायर कर रहा है कि हम जीवन भर, जब से जन्म लिया है तो राजद में, मृत्यु के अंतकाल तक राजद में रहेंगे, ऐसा शपथ पत्र। कुछ लोग तो गए भी नहीं उसके मीटिंग में, कहीं से नाम लिख लिया अपने एजेंसी के द्वारा और नाम लिख करके उसका सूचीबद्ध कर दिया। आपके हिसाब से गए नहीं है राजद? नहीं नहीं, कोई नहीं गए हैं, सब लोग वापस आ रहे हैं। चलिए हम आपसे फिर लौटेंगे आपके पास। सीमा जी हमारे साथ, प्रशांत किशोर से खतरा हो राजद को या नहीं है? सीधे तो नहीं है, क्या कारण लग रहा है, क्योंकि वो तो टारगेटेड है एकदम, वो तो खुद डर रहे हैं। हमारी महिला बहन कोई जा भी नहीं रहे, अपने से नाम लिख दे रहे थे, जन स्वराज में बधाई दे रहे हैं, ये तो गलत काम कर रहे हैं। हमारे पास भी कॉल आ रहा है कि आप हमारे पार्टी में आइए, हम आपको टिकट दे रहे हैं, तो ये तो उनका डर बता रहे थे, जैसे जी से डर रहे हैं वो, क्योंकि वो उन्होंने इतनी नौकरियां दी, इतने कार्य किए, उनके डर के वजह से ये सोचते हैं राजद पार्टी को ही तोड़ के ले जाए, लेकिन वो हो नहीं पा रहा है।
वो सफल नहीं हो पा रहे हैं। अच्छी खासी प्लानिंग लेकर चले हैं जनसुराज, अब वो 2 तारीख को पार्टी का भी अनाउंसमेंट कर देंगे। क्या लग रहा है कि किस पार्टी को सबसे ज्यादा खतरा है जनसुराज? हम लोग को तो फिलहाल है ही नहीं, राजद पार्टी को कोई डर नहीं है, क्योंकि इस बार हमारे तेजस्वी जी यहाँ के मुख्यमंत्री बनेंगे ही बनेंगे। डर जनसुराज जी रहे, पीके जी डर रहे हैं, वो अपना डर संभाल के रखे। वो पैसा का लोभ देके जो बुला रहे हैं कि आइए हम आपको पैसा देंगे, चाहे एमपी एमएलए में खड़ा करेंगे, वो उनका डर बता रहा है, पैसे के दल पे लेके जा रहे हैं। तो कह दिया कि 10वीं फेल के नेतृत्व में नहीं चलेगा, आप कह रहे हैं मुख्यमंत्री बने। तो इतना काम कर लिए हैं, वो कितने पढ़े लिखे पहले वो तो साबित करें। हमारे मुख्यमंत्री को, हमारे होने वाले मुख्यमंत्री के साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? वो खुद पहले कितने पढ़े लिखे वो बताए। वो तो कल के डेट में नीतीश कुमार के वो पिए थे, उनका पार्टी छोड़ के फिर अपना पार्टी निकाले, और वो भाजपा के भी टीम है, भाजपा के द्वारा एक काम कर रहे हैं, सिर्फ एक पार्टी का लेवल दे रहे हैं। बुराई तो मोदी जी की भी करते हैं खुले मन से, वो तो आप भी जानते हैं, वो खुले हम मन नहीं जानते नहीं, नहीं, नहीं। वो खुले मन से नहीं कर रहे हैं, वो है सपोर्टर, लेकिन क्या कहते हैं कि दूसरे को हार्म करने के लिए अपने पार्टी को गलत साबित कर रहे हैं, गलत साबित। अच्छा चलिए आपसे भी बातचीत कर लेते हैं, क्या कह रहे हैं प्रशांत किशोर को लेके, अब पार्टी लेकर वो उतरने वाले हैं, राजद को सबसे ज्यादा घेरते नजर आते हैं, क्या? अभी आप एक क्वेश्चन किया था कि प्रशांत किशोर युवा को बोले कि पैसे की कमी नहीं है, नहीं, चिंता मत कीजिए, पैसे भी बता दिया जाए। प्रशांत किशोर के पास पैसा कहाँ से आया? प्रशांत किशोर के पास पैसा कहाँ से आया अभी बता दीजिए हमारे। नहीं, वो प्रशांत किशोर कह रहे हैं, आपका क्वेश्चन है, मेरा क्वेश्चन कल ही कहा है, मेरा क्वेश्चन नहीं है। वो आपने कहा कि प्रशांत किशोर ने कहा कि युवाओं को घबराने की जरूरत नहीं है, पैसे की कमी नहीं है। आखिर युवाओं को जो लड़ाएंगे बिहार के अंदर, वो पैसा कहाँ से आ रहा है, कितना पैसा है उसके पास, कहाँ कौन फाइनेंसर है उसका, ये प्रशांत किशोर से पूछिए कि आप ये पहले बताइए कि युवाओं को जो इतना पैसा दीजिएगा आप, ये पैसा आपके पास कहाँ से आया, फाइनेंसर आपका कौन है, फाइनेंसर आपका कौन है, ये साफ पहले करें। हिसाब से कौन फाइनेंसर है? देखिए हम तो नहीं बता सकते, आप बताइए कि कौन लग रहा है, कहाँ से पैसा ला रहे हैं? आप मीडिया के लोग हैं, आप बुद्धिजीवी लोग हैं, आप खुद समझ सकते हैं कि ये फाइनेंसर कहाँ से पैदा हुआ जो प्रशांत किशोर जी जो घूम घूम करके लोग को पैसा देने की बात कर रहे हैं। आप तो सीधे तौर पे दो बात है, नहीं या तो दो बात है, या तो बरगला करके मेरे पार्टी के पीछे सिर्फ लगे हैं, उनका एक मिशन है किसी भी हाल में हमको बीजेपी इसको वापस लाना है, उसके चलते जो जहां से मैनेज हो, या तो पहले से पैसा दे दिया गया हो, या तो तीसरे समय एक समय जब था जब वो खुद माने मैनेज करते थे चुनाव को, तो उस टाइम में भी बक्सा भर करके उनके पास जाया करता था, हो सकता वही बक्सा भरा बचा हुआ हो। हम लोग को तो इस बात का अंदाज इसी से लग रहा है जो उसने बोला है, हम अपनी बात नहीं कर रहे हैं, जो उसने बोला वही हम आपको बता रहे हैं। नीतीश जी को भी घेरते हैं, तो जदयू के लोगों ने तो कभी ऐसा नहीं कहा कि प्रशांत किशोर के पास। नीतीश जी को घेरते नहीं है, नीतीश जी को रखते हैं सामने में, इसलिए कि अगर केवल राजद को बोलेंगे तो बच्चा बच्चा समझने लगेगा कि प्रशांत किशोर जी केवल राजद के विरोध में है। उतना सा अगर नहीं करेंगे तो गाड़ी कैसे चलेगा उनका? क्या लग रहा है कितना सीट ला रहे हैं, क्योंकि वो तो कहे कि हम 20-22 सीट जीतने के लिए नहीं आए हैं, बदलाव करने के लिए आए हैं। प्रशांत किशोर जी केवल मुसलमान के वोट को डैमेज करने का एक उनका अपना मंशा है, उसको डैमेज करेंगे और हर हाल में एनडीए सरकार को वापस लाएंगे। दूसरे दल आप क्यों खाली मुसलमान के पीछे लगे हैं, आप दूसरे से क्यों नहीं लगे हैं, दूसरी पार्टी के लोग से? हमको ये जोड़ के लिस्ट बता दीजिए कि अगर मुसलमान आपके पास 20 हो गया है तो 80 तो हिंदू भी तो दिखा दीजिए कि जिसको आप पार्टी का टिकट बांट रहे हैं। हमको ये भी तो दिखा दीजिए कि ब्राह्मण में कितने लोग को आप दे रहे हैं। हमको ये तो दिखा दीजिए ST SC में कितने लोग को दे रहे हैं। पार्टी में तो अभी सभी जाति के लोगों को ज्वाइन करवा रहे हैं, चाहे वो एकदम प्री प्लानिंग ऐसा कुछ नहीं है, वो बरगला करके सिर्फ राजद को डैमेज करने के लिए चले हैं, बाकी कोई मंशा नहीं उनकी, सिर्फ नुकसान पहुंचाना। और जहां तक 9वीं पास का तेजस्वी जी के बारे में बोले हैं, नीतीश जी जब मुख्यमंत्री थे, अभी भी हैं, अभी भी हैं, उस टाइम में जब डिप्टी CM रहे तो नीतीश जी से ज्यादा विवेक प्रशांत किशोर के पास नहीं है, जो उन्होंने स्पेशली तेजस्वी जी के लिए बोला था कि इनको अब आगे बढ़ाना है, यही सब बोले थे, ठीक है। तो
नीतीश जी इतना विवेक के कमजोर थोड़े थे कि इनको आगे बढ़ा रहे थे नौवीं पास को। स्वास्थ्य मंत्रालय उनके अधीन, पथ निर्माण मंत्रालय उसके अधीन, सारा विभाग उनके अधीन, उसके बाद भी कोई उंगली नहीं उठा सका। दो दो बजे रात में स्वास्थ्य विभाग घुस जाते थे, सुधार हुआ था 2 बजे रात में। आज आप झांक करके देख लीजिए कि कहाँ क्या हाल है। इसलिए ये सिर्फ अपने मानसिकता का परिचय दे रहे हैं कि नौवीं पास हैं कि ग्रेजुएट हैं। पहले इतिहास अपना देखें कि हम कौन काम करते थे। देखिए एजेंट को सब दिन एजेंट ही कहा जाएगा। उस टाइम में भी वो एजेंट थे, चुनाव लड़वा रहे थे, वो एजेंटे हुआ एक भाषा में। आज भी वही काम कर रहे हैं जो दूसरे रूप में एजेंट ही कहलाएगा। चलिए तो राजद के लोग हमारे साथ थे, प्रशांत किशोर अपनी चुनावी यात्रा लेकर जल्द ही निकलने वाले हैं, सभा कर रहे हैं लगातार, राजद को ज्यादातर घेरने का काम कर रहे हैं। लेकिन राजद के लोगों का साफ तौर पर यह कहना है कि प्रशांत किशोर से हमें कोई खतरा नहीं है, वह किसी ना किसी तरह से राजद के लोगों को बरगला कर अपनी ओर खींचना चाहते हैं और केवल राजद को डैमेज करने के लिए वो आगे बढ़ रहे हैं। साथ ही साथ इन लोगों ने साफ तौर पर कहा कि वह भाजपा की बी टीम है और भाजपा के लिए ही अंदर काम कर रहे हैं। आखिरकार विधानसभा चुनाव में क्या कुछ होने वाला है, क्या कुछ बदलाव आएगा, प्रशांत किशोर कितना असर डालते हैं, यह देखना शेष है। भागलपुर से टीवी 9 के लिए मैं शिवम।